लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पीलीभीत के डीएम और एसपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे डॉक्टर, पुलिस व मीडिया कर्मी का अभिवादन ताली थाली घंटे व शंख बजाकर करने की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसको लेकर पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने भी इस अभियान को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन इस दौरान वो एक चूक कर गए। जहां सरकार ने भीड़भाड़ एकत्रित होने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर डीएम और एसपी खुद भीड़ को लेकर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। जब खबर प्रमुख चैनलों पर चली तो जनप्रतिनिधियों की भी आंखें खुली रह गई। जहां एक और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने इसे ट्वीट पर घोर लापरवाही मानते हुए कार्यवाही की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर बिसलपुर के भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने भी इसमें हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि डीएम एसपी द्वारा किया गया यह कार्य बड़ा ही निंदनीय है, इस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। पीलीभीत से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। आज सवेरे ये समाचार संज्ञान में आया, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत का निलंबन हो गया है। इसलिए इन माननीय नरेंद्र मोदी का जो जनता कर्फ्यू का आह्वान था जी, उसका उल्लंघन करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नगर पीलीभीत में एक भारी जुलूस निकाला जी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी जानकारी आई कि कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते वो निलंबन नहीं हुआ जी, जिससे जनता में पहले हर्ष की लहर दौड़ी, लेकिन वो हर्ष की लहर अवसाद के रूप में परिवर्तित हो गई जी। इस संबंध में माननीय वरुण गांधी जी ने भी ट्वीट किया है तथा जिलाध्यक्ष भाजपा को भी ये चिंता हुई है कि ये जनपद स्तरीय अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार की बदनामी करने के लिए ये सब कर रहे हैं जी, तो उनको भी चिंता हुई। तो जिला अध्यक्ष की चिंता और वरुण गांधी का ट्वीट जी से मैं भी अपने को संबद्ध करता हुआ, वैसे तो पहले से ही मैं उनके बहुत सारे घोटालों भ्रष्टाचार की शिकायतें कर चुका हूँ जी, जिन पर माननीय मुख्यमंत्री ने अनेकों बार कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है, लेकिन कार्रवाई में विलम्ब होने के कारण जनता में थोड़ा संदेशा अच्छा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि शीघ्रता इस कार्रवाई में की जानी चाहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।